पालक मंत्री नितिन राउत ने अपने गृह जिले नागपुर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को भीड़ पर नियंत्रण करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मनपा पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जनता को योग्य उपचार देने की हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन व मनपा प्रशासन आपसी समन्वय के साथ एक छत के नीचे आकर कार्य करे। उन्होंने दो बैठक में, पहली बैठक में मनपा व पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। पालक मंत्री ने उन्हें शहर में हो रही भीड़ पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को तत्काल लोक सहभाग से भीड़ नियंत्रण, गश्त और बंदोबस्त वाहनों से अपील करने का निर्देश दिया। बैठक में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने पुलिस को ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, दवाइयां व अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पालक मंत्री ने दूसरी बैठक में विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे, मेयो व मेडिकल के डीन के साथ की। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि अस्पतालों में बेड नहीं होने का पता कर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने मेयो में मिताली सेठी और मेडिकल में भाग्यश्री सातपुते IAS अधिकारियों की नियुक्ति बेड मैनेजमेंट के लिए कर दी है। उन्होंने मुंबई मनपा आयुक्त IAS चहल द्वारा दिए गए सुझाव का पालन तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। ICU में बेड की संख्या बढ़ाने, स्नातकोत्तर वैद्यकीय प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले डॉक्टर की सेवा अधिग्रहित करने, CCTV के माध्यम से मरीजों के परिजनों को मरीज को देखने की सुविधा देने के निर्देश उन्होंने दिए। बैठक में 14 दिनों के लॉकडाउन के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया गया, लेकिन लॉकडाउन से गरीब, निराधार, छोटे दुकानदार, फुटपाथ विक्रेता आदि पर संकट आता है। उद्योग भी प्रभावित होते हैं, लेकिन कोरोना की जो गंभीर हालात है उसे देखते हुए लॉकडाउन किया जा सकता है। राउत ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों में हो रही भीड़ पर अधिक चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर ही अभी प्रभावी उपाय है। जनता को सतर्क करने की मानसिक तैयारी करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।